भाई इस वीडियो में अपन पार्ट टू से रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। जो पार्ट टू में अपन ने किया था वो था कंपोनेंट ऑफ अ गिवन फोर्स इन टू डायरेक्शन, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट किया था वो था रिजोल्व्ड पार्ट ऑफ अ गिवन फोर्स। तो उसके लिए आप लोगों को दो फॉर्मूले बताए गए थे। एक बताया था ओ ए के लिए जो फॉर्मूला था वो था एफ साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है भाई। और जो सेकंड फॉर्मूला बताया गया था वो बताया गया था एफ साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। और याद रखने की ट्रिक क्या थी, अगर ओ ए के डायरेक्शन दे रहे हैं तो एफ साइन के साथ इससे दूसरे वाला एंगल आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ओ बी ले रहे हैं तो एफ साइन के साथ ओ बी से दूसरे वाला एंगल आएगा, ठीक है। तो वो अब इसका देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल बोलता है इफ अ फोर्स एफ इज रिजोल्व इनटू कंपोनेंट फोर्सेस, ठीक है। ये कह रहा है एक फोर्स एफ है जिसको आप कंपोनेंट में क्या कर रहे हैं, रिजोल्व कर रहे हैं। एंड इफ द कंपोनेंट टू बी राइट एंगल टू एफ एंड इक्वल टू √3 इन मैग्नीट्यूड। ये बोल रहा है एक फोर्स है अपने पास एफ, ठीक है। उसके अपन ने किए कंपोनेंट, कंपोनेंट करने के बाद उसका एक कंपोनेंट इस फोर्स के 90 डिग्री पे है, ठीक है। किस एंगल पे है, 90 डिग्री पे। और इसकी वैल्यू दे दी अपने को √3 f, ठीक है। इतना डायग्राम बता दिया इसने, ठीक है। नेक्स्ट कहता है फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर कंपोनेंट, ठीक है। डायरेक्शन से अपने को टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा मीन्स अपने को थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अदर उसकी जो अपना अदर फोर्स है, ठीक है। जो फोर्स एफ का कंपोनेंट है अदर, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं स्टार्ट। आपने मान लिया फोर्स क्या है एफ, और इसने बोला है इस लाइन में कंपोनेंट इफ वन कंपोनेंट टू बी राइट एंगल टू एफ, इससे राइट एंगल पे दूसरा कंपोनेंट है और जिसकी वैल्यू दे दी इसने √3 f। तो अपने को दूसरे की वैल्यू निकालनी है और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं इतने के बारे में, ठीक है। अब जब आप ओ ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ओ ए। तो ओ ए के लिए फॉर्मूला क्या होता था, एफ साइन दूसरे वाला एंगल, ठीक है। यहाँ पर दूसरे वाला एंगल क्या है, थीटा। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा अल्फा प्लस बीटा, तो 90 प्लस थीटा, ठीक है। नीचे क्या आएगा, 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है भाई। अब देखो और ओ ए की वैल्यू इसने क्या दे रखी है, √3 f, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी √3 f, एफ साइन थीटा, और नीचे लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद देखो इस एफ से ये वाला एफ कैंसिल हो गया, ठीक है। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा हो जाता है भाई। ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है, साइन 90 प्लस थीटा को आप लिख सकते हैं कोस थीटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, साइन 90 प्लस थीटा को चेंज कर दिया कोस थीटा में, और एफ से एफ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, √3, और ऊपर बच गया साइन थीटा और नीचे बच गया कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन जाता है, टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू क्या है, √3। तो यहाँ से अपने पास जो थीटा की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 60। मतलब अपा ने इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मैंने बोला था अगर एंगल अदर देन 90 है तो आपा कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, पहले वाला। तो ये अदर देन 90 वाला केस था, इसलिए आपने कंपोनेंट ऑफ ए गिवन फोर्स वाला आर्टिकल यूज किया था। अब देखो डायरेक्शन का पता चल गया, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। अब अपने पास ओ सी निकालना है, क्या निकालना है, ओ सी। और ओ सी की वैल्यू किसके बराबर है, पी के। तो ओ सी इक्वल टू एफ साइन, साइन के साथ कौन सा आता है, अदर देन अदर एंगल आता है, ठीक है। जस्ट याद रखो अदर एंगल आता है। तो ये थीटा है ओ सी के साथ, तो अदर एंगल क्या है, 90। तो साइन 90 अपॉन में वही चलेगा, साइन 90 प्लस 60, ठीक है भाई। अब देखो उसके बाद वैल्यू पुट कर दी, जो ओ सी है वो किसके बराबर है, पी के। तो इस साइड पी पुट कर दिया, ऊपर एफ साइन 90 और नीचे एफ साइन 90 प्लस 60। ऊपर तो अपना एफ ही रह गया, ठीक है। नीचे साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है मेरे पास कोस थीटा। तो कोस 60, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 ऊपर गया तो इसकी वैल्यू आ गई 2 f। तो यहाँ से अपने पास अदर कंपोनेंट क्या आया, 2 f। अगर ये f है तो ये 2 f है, और जो ये थीटा है ये कितना है, 60 डिग्री, ठीक है भाई। ये था फर्स्ट एग्जांपल।
अब चलते हैं पास सेकंड एग्जांपल के ऊपर। अब सेकंड एग्जांपल बोलता है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज आर। क्या बोल रहा है, अपने पास दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स दे दी इसने पी और एक फोर्स दे दी क्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू पी, इसकी वैल्यू क्यू। ये बोलता है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, इनका रिजल्टेंट दे दिया आर। ठीक है, द रिजोल्ड पार्ट ऑफ आर इन द डायरेक्शन ऑफ पी। मान के चलो ये एंगल अपन ने मान लिया थीटा। ठीक है, ये क्या मान लिया, थीटा, या इसको अल्फा मान लो। ठीक है, क्या मानेंगे, अल्फा। तो अब ये बोल रहा है रिजोल्ड पार्ट ऑफ, रिजोल्ड पार्ट आपको पता है जो सेटिंग सेकंड आर्टिकल था। ठीक है, जब आप इसके आर के कंपोनेंट करेंगे तो इस साइड आएगा आर कोस थीटा। ठीक है, क्या आएगा, आर कोस थीटा, और इस साइड आएगा आर साइन थीटा। ठीक है, इज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, यानी कि जो अपना रिजोल्ड पार्ट आया है पी के अलोंग, इसकी वैल्यू इसने दे दी क्या, थीटा। रिजोल्ड पार्ट की वैल्यू दे दी क्यू के इक्वल, सो दैट द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज इज, ये एंगल शो करना है। ठीक है, तो डायग्राम यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, किसके पैरेलल, ओ वाई के पैरेलल। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ओ एक्स के पैरेलल। ठीक है, सिमिलरली इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, मैं बुक वाला डायग्राम आगे कर रहा हूँ। ठीक है, बुक वाला डायग्राम मिल जाएगा अपने को। अब देखो, इसने बोला था दो फोर्स है पी और क्यू। ठीक है, अब मान लिया पी फोर्स, ठीक है, रिजल्टेंट पी के साथ एंगल थीटा बना रही है और दोनों के बीच का एंगल क्या है, अल्फा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सी पॉइंट से लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू ओ बी, सिमिलरली ओ ए के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करी और सी को आगे इस तरह से किया कि डी पे जाके ये क्या बन गई, परपेंडिकुलर। ये क्योंकि आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो, अब इसने बोला था कि जो आर का रिजोल्ड पार्ट है, आर का रिजोल्ड पार्ट यानी कि आर कोस थीटा। ठीक है, तो इसने बोला था जो ओ डी की वैल्यू है वो किसके बराबर है, क्यू के। ओ डी की वैल्यू क्या है, क्यू के बराबर। तो अब ओ डी कैसे निकालेंगे वो देखो। तो यहाँ से देखो, मैंने रिजोल्ड पार्ट निकाला आर का, ये आ गया आर कोस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ओ ए की वैल्यू आ गई किसके बराबर, आर कोस थीटा के बराबर। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल लेनी पड़ेगी। राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे तो क्या करेंगे, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ये अपने पास क्या आ जाएगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगी। ठीक है, ये थीटा है। तो अब यहाँ से आर की वैल्यू किसके बराबर है, ओ सी के। आर को मैं ओ सी लिख सकता हूँ, इसने ओ सी लिख दिया। ठीक है, फिर कोस थीटा क्या होता है अपने पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस है मेरे पास ओ डी। ठीक है, बेस क्या है, ओ डी, और हाइपोटेन्यूस क्या है मेरे पास, ओ सी। ठीक है, ओ डी बाय ओ सी। तो कोस थीटा की जगह वैल्यू पुट करो ओ डी बाय ओ सी, तो ओ सी से तो ओ सी कैंसिल आउट हो गया। अब अपने को देखो ओ डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ओ डी किन किन दो चीज़ों से बना है, अगर मेरे को ओ डी निकालना है तो मैं ओ ए प्लस ए डी कर दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगी, ओ डी मिल जाएगी। ठीक है, अब ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू तो पी है। ठीक है, ओ ए की वैल्यू क्या है, पी है। अब मेरे को वैल्यू निकालनी है ए डी की, किसकी वैल्यू निकालनी है, ए डी की। अब ध्यान से देखना, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक है, ये मैंने क्या की, कौन सी लाइन ड्रॉ कर दी, ओ बी और ए सी। ठीक है, आगे वाला पार्ट, और ए की ये देखो दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्स लाइन जा रही है। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी क्या होगा, अल्फ़ा हो गया, क्योंकि क्रोस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी क्या आ गया मेरे पास, अल्फ़ा। तो अब देखो, अगर ये फोर्स क्यू है तो ये भी क्या होगी, क्यू। ठीक है, अब क्यू के कंपोनेंट करो, क्यू के मेरे पास दो कंपोनेंट आएंगे। पहला कंपोनेंट आएगा जो थीटा, देखो ये क्यू है मेरे पास, इसके जब मैं कंपोनेंट करूँगा तो एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा। क्यू का पहला कंपोनेंट किया तो थीटा के अलोंग क्या आता है, कोस में, तो नीचे वाला आ जाएगा क्यू कोस अल्फा। और मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए थी, ए डी की। ए डी की वैल्यू मिल गई क्यू कोस अल्फा। ठीक है, तो मैंने पी की, ओ ए तो मेरा क्या है, पी, और ए डी क्या है, क्यू कोस अल्फा।
तो यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ओ डी की। और क्वेश्चन बोलता है ओ डी की वैल्यू किसके बराबर है, ओ डी की वैल्यू है क्यू के। ये मैंने क्यों लिखा तो मैं भी दिखा देता हूँ आपको। तो देखो ये बोल रखा है द रिजोल्व्ड पार्ट ऑफ आर इन डायरेक्शन ऑफ पी ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, ठीक है। तो इसने बोल रखा है ओ डी की वैल्यू किसके बराबर है, क्यू के। तो मैंने क्या किया, ओ डी की वैल्यू थी पी प्लस क्यू कोस अल्फा इक्वल टू क्यू रख दिया, ठीक है। मैं क्यू को इसको उस साइड लेके चला गया, इसको उस साइड लेके चला गया, तो ये माइनस का दोनों में से क्यू कॉमन ले लिया, वन माइनस कोस अल्फा, और वन माइनस कोस अल्फा की वैल्यू होती है टू साइन स्क्वेयर अल्फा बाई टू, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, क्यू को मैं इस साइड ले आया अपॉन में, तो पी बाई टू क्यू, और दोनों साइड रूट ले लिया। रूट लेने के बाद इसका स्क्वेयर से तो रूट कैंसिल हो गया और इसके रूट आ गया। फिर मैंने क्या किया, अल्फ़ा बाई टू की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई उस साइड लेके गया, तो साइन इनवर्स अंडर रूट पी बाई टू क्यू, और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई अगर मन इस साइड डिवाइड में तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई में। यही तो अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है भाई। ये था सेकेंड एग्जाम्पल। अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल के बारे में। थर्ड एग्जाम्पल बोलता है इफ़ टू फोर्सेज पी एंड क्यू, इफ़ टू फोर्सेज पी एंड क्यू एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर इंक्लाइंड बाई एंगल थीटा। इंक्लाइंड मतलब उसको टांग दिया एंगल थीटा के ऊपर, ठीक है, इंक्लाइंड कर दिया। इफ़ सम ऑफ देयर रिजोल्व्ड पार्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन बी एक्स एंड दैट अलोंग परपेंडिकुलर वाई प्रूव दैट। ये बोल रहा है जो आपने मान के चलो कुछ इस तरह से, डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको। इन दोनों फोर्सेज को मैंने पी और क्यू फोर्स को क्या कर दिया, टांग दिया। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने इनको टांग दिया, ठीक है। ये थ्री डी है, इसको इमेजिन करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये पी ये क्यू, ठीक है, मैंने इसको कुछ इस तरह से टांग दिया। फिर ये इन दोनों के बीच का एंगल तो थीटा मान लिया, और जो x एक्सिस से P बना रही है ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, और Q का एंगल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा, ठीक है। ये चीज़ थी इसके अंदर समझाने वाली। तो अब देखो, अब मेरे को कंपोनेंट करने हैं P और Q के अलोंग x एंड अलोंग y। तो कंपोनेंट करने के लिए एक बात याद रखना, जिस साइड थीटा होता है उस साइड कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस वाला, और दूसरी साइड कौन सा आता है, साइन वाला। तो अब देखो, मैं इस प्लेन के जो मेरे पास ये प्लेन है इसके कंपोनेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पी का कंपोनेंट क्या, इस साइड थीटा है, थीटा है तो पी कोस अल्फ़ा, ठीक है। एक्स के लॉन्ग किया पहला कंपोनेंट पी का, तो पी कोस अल्फ़ा। सिमिलरली क्यू का अगर मैं, ये पूरा एंगल कितना है, अल्फ़ा प्लस थीटा, ठीक है, कितना है, अल्फ़ा प्लस थीटा। तो क्यू का करूँगा तो क्यू कोस अल्फ़ा प्लस थीटा, क्योंकि एंगल की साइड हमेशा क्या लिखते हैं, कोस। तो ये चीज़ याद रखना, तो क्यू कोस अल्फ़ा, एक्स की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं वाई के अलोंग बात करता हूँ, तो इस साइड थीटा नहीं है, तो इस साइड पी का कंपोनेंट करेंगे तो आएगा पी साइन अल्फ़ा, क्या आएगा, पी साइन अल्फ़ा। सिमिलरली क्यू का करेंगे तो क्यू साइन अल्फ़ा प्लस थीटा। अब स्केयरिंग एंड एडिंग, ये अपने पास दो आ गई, इनको स्केयर किया और ऐड किया, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना भाई। सोल्व करने के बाद अपने पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा, टू पी क्यू कोस अल्फ़ा, टू पी क्यू कोस थीटा इजिकल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू ये आ गई और थीटा की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये है भाई, आपको सोल्व करोगे, समझाना मेरा काम था, समझा दिया, अब आपको सोल्व करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी, के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।